नमस्कार दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे अब कि सिविल सर्विस हो या फिर आप लोग इसे आईएएस के नाम से भी जानते हैं या आप लोग यूपीएससी भी कहते हैं, इसके बारे में A to Z जानकारी उपलब्ध कराएंगे और बहुत ही साधारण शब्दों में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। भारी भरकम हम लोग शब्दों का उपयोग ही नहीं करेंगे। और याद रखिए, सबसे पहले हम लोग इसका ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है, यानी कि कहने का मतलब है कि कहाँ से ये शुरू होती है और वो भारतीय कौन थे जिन्होंने पहली बार, आप देखिए कि सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। और इसका संविधानिक हम लोग एक तरह से बैकग्राउंड भी देख लेंगे कि संविधान में कहाँ इसे जगह मिली हुई है। उसके बाद हम लोग दूसरी क्लास में इसके प्रारूप, जिसे आप लोग पाठ्यक्रम भी कहते हैं, कि इसमें कितने पेपर होते हैं, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं, क्या आयु होनी चाहिए, कितने साल एज होनी चाहिए आपको पेपर देने के लिए, कितने नंबर के होते हैं, और भी इस तरह की जानकारी हम लोग उन्हें देख लेंगे। फिर क्या करेंगे कि हम लोग तीसरी क्लास में आपको जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है उस पर हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मुख्य परीक्षा का भी पाठ्यक्रम देखेंगे। उसके बाद हम लोग ऑप्शनल को भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपके 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। जो भी आपके 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर होंगे उन्हें भी हम लोग देख लेंगे। अगर आप लोग तैयारी शुरू करते हैं तो मुझे लगता है सबसे पहले आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसके बारे में आपका पैटर्न मालूम होना चाहिए, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपके उससे रिलेटिव जो भी जानकारी है, NCERT मेन आपका बेस है, NCERT। अगर आप लोगों को सिविल सर्विस निकालना है तो आप लोग NCERT जरूर पढ़ें। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में, फिर बात करते रहेंगे, हम लोग जुड़े रहेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि इसका शॉर्ट में आप लोग IAS कहते हैं। इसका पूरा नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इसे UPSC भी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अगर हम लोग इसकी शुरुआत की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था तो 1854 में इसकी शुरुआत होती है। और आपने देखा होगा कि आपसे पूछ भी लेता है कि भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिए कर्ण वालिस को। किसे? कर्ण वालिस को। और अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले IAS ऑफिसर कौन थे, तो याद रखिए थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1864 में IAS का एग्जाम पास किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि 1920 में आपके जो सुभाष चंद्र बोस साहब थे, इन्होंने IAS की परीक्षा पास की थी और इन्होंने आप देखेंगे चौथी रैंक हासिल की थी। अगर आपसे कभी पूछे या आपको सामान्य जानकारी के लिए मालूम होना चाहिए, प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये अक्टूबर 1926 की बात है। कब? अक्टूबर 1926 की बात है। अब आप देखेंगे कि आपको तीन डेटें आपको बता देता हूँ। एक तो आप सभी लोग जानते हैं 15 अगस्त, एक आप लोग 26 नवंबर, एक आप लोग 26 जनवरी। 26 जनवरी, तो आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, इसलिए आप जानते हैं कि आप लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल। 26 नवंबर को आप जानते हैं कुछ प्रावधानों के साथ संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और आप जानते हैं कि संपूर्ण रूप से एक गढ़ के रूप में हमारा देश 26 जनवरी 1950 को आता है। और कई आप देखते हैं पदों का इस समय स्थापना भी होती है, कई संगठन भी बनाए जाते हैं। तो पूरी तरह से आपका संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए आप जानते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो आप देखेंगे कि 1950 के बाद ही
संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। आप देखेंगे कि 26 अक्टूबर 1950 को ही संविधान में इसे जगह मिलती है। किसे? आपकी यूपीएससी को। और आप देखेंगे कि आपका अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक ये आपका संघ लोक सेवा आयोग से ही संबंधित है। ये जरूर आप लोग जब संविधान पढ़ेंगे तो आप लोग विस्तार से भी पढ़ेंगे, आप लोग विस्तार से भी पढ़ेंगे। संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था कहाँ की गई है? आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक, ठीक है। और आप देखेंगे कि इन आर्टिकल को भी देख लीजिए आप लोग, अनुच्छेद 315 को संघ और राज्यों हेतु लोक सेवा आयोगों के गठन की बात की गई है। आप जानते हैं कि जैसे एमपीपीएससी ले लीजिए स्टेट में देखते हैं ना आप लोग, या यूपी में ले लीजिए यूपीपीसीएस, बिहार में आप जाइए बीपीएससी, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस। तो इस तरह से आपके राज्यों में भी आप देखेंगे कि आपका इस तरह का आपका क्या होता है, लोक सेवा आयोगों का गठन होता है। और केंद्र में आप देखते ही यूपीएससी। और आर्टिकल 316 क्या कहता है? ये कहता है कि आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि की संबंधी उपबंध की बात करता है। आप देखेंगे कि एक आयोग गठन होगा तो उसमें कुछ सदस्य और अध्यक्ष भी तो होंगे, तो उन्हीं सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि की बात करता है आर्टिकल 316। अनुच्छेद 317 क्या कहता है? आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाना और निलंबित किए जाने का जिक्र करता है कि इस आयोग में जो सदस्य हैं उन्हें हटाने की भी व्यवस्था होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो 317 आपका इस बारे में बात करता है। अनुच्छेद 318 क्या कहता है? ये कहता है कि आयोगों के सदस्यों व कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने संबंधी उपबंध की बात करता है आर्टिकल 318। फिर आप देखेंगे कि अनुच्छेद 320 क्या कहता है? आयोग के कृत्य और कार्यों को वर्णित करना किया गया है। किसमें? आर्टिकल 320 में। आर्टिकल 321 क्या कहता है? लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति दी गई है इसमें। अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय का वर्णन किया गया है, खर्च की बात की गई है। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन वर्णित की गई है, प्रतिवेदन से संबंधित अनुच्छेद 323 है। तो ये है आपका ऐतिहासिक बैकग्राउंड इसका, कि कहाँ से ये शुरू हुआ है और कहाँ कब इसे संविधान में एक तरह से जगह मिलती है। और आप सभी लोग भली भांति जानते भी होंगे कि आपका लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का कहने का मतलब होता है कि संविधान के किसी आर्टिकल में उसका आप लोगों को उल्लेख देखने को मिलेगा, या संविधान के हिसाब से उसकी स्थापना की गई है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी आपका बहुत सारी परीक्षाएं भी करवाता है, इनमें आप देख सकते हैं अखिल भारतीय सेवा, भारतीय वन सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, भूविज्ञानी परीक्षा और सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा, स्पेशल क्लास रेलवे अपेंटिक्स परीक्षा, भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा इत्यादि। आप देख सकते हैं कि इस तरह की परीक्षाएं करवाता है। अब आप लोग कोई इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ा होगा तो वो आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करेगा, लेकिन हम लोग बात करेंगे जो आपका आईएएस है, अखिल भारतीय सेवा के बारे में, ठीक है, कि इसमें किस तरह की परीक्षाएं होती हैं, इसके लिए योग्यता क्या है, इसका प्रारूप क्या है, इसका पैटर्न क्या है। समझ रहे हैं? एक एक करके हम लोग ए से जेड तक जो भी पॉइंट आपके होंगे बहुत ही साधारण शब्दों में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मुझे लगा कि ऐतिहासिक बैकग्राउंड इसका बता देना चाहिए,
हो सकता है कि आप लोग तैयारी कर रहे हो, कोई आपसे वैसे ही पूछ ले नॉर्मल क्वेश्चंस कि चलिए आप लोग तैयारी करने तो गए हुए हो, लेकिन इसके जनक किसने माना जाता है, इसे संविधान में कहाँ जगह मिली हुई। तो कई लोग आप लोगों को इस तरह से परेशान करने के लिए या बड़ा ज्ञान देने के लिए पूछ भी लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को इन्हें आप लोग सभी याद रख लीजिएगा, एक से दो बार देखेंगे आप लोग सब कुछ याद बना रहेगा। और इसकी PDF हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे इसके पैटर्न के बारे में, प्रारूप के बारे में, तो आप लोग जुड़े रहिए, एक एक करके हम लोग सब कुछ देखते रहेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग नीचे बताइएगा।